लोग अब तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेरे और एक देवरानी के घर, तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। आज आने वाले हैं हमारे घर में एक प्यारे से मेहमान, तो इसीलिए घर में सब साफ सफाई तैयारी चल रही है खाना बना बनाने की। और आरफा तो वहाँ पर खा के नाश्ता अभी सोई पड़ी है, क्योंकि आज संडे है और स्कूल ट्यूशन सारा छुट्टी। और टिंकी को देखिए इधर, वो मेरे कपड़े धोने में हेल्प कर रही है, तो टिंकी मेरे कपड़े धोने में हेल्प कर रही है और कपड़ा सब लेके मशीन में, वॉशिंग मशीन में डालने जा रही है। हाँ हाँ, और टिंकी आरफा भी मेरी बहुत मैम हेल्प कर रही है खोदने में घर और कचरा करने में। और यहाँ टिंकी जा रही है वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। साफ सुथरा सब हो गया है और टिंकी नहा धो के तैयार हो चुकी है। और ये दो टमाटर मुझे, अरे हाथ में दोनों बेटा। यहाँ पर बन रहा है मेरा चिकन, दिखाती हूँ। और ये मेरा बन रहा है मेथी भाजी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बना रही हूँ मेथी भाजी और चिकन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो अभी आरफा को मैं भेजी थी ट्यूशन, तो दुकान में तो बच्चा नहीं, इसलिए हापी को भेजी थी। हापी गई थी दुकान और ये ला के अभी बच्ची को छोड़े हैं। देखते हैं बाहर कौन कौन है और क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्या चीज़ का? ये तो 5 रुपए में। हाँ। कहाँ पर से? अल्फा आ चुकी है ट्यूशन आज, से आज मेरे को इतना खुशी हो रहा है, क्या बोलूं। पर उस दिन मेरा सिर्फ एक ठो ही फूटा था, वो भी घड़ी सिर्फ बेकार था। हाँ। और आज मेरा 2 ठो चीज। ये मेरा है कलर, तुम्हारा ये। वाह बढ़िया है। तो चॉकलेट कैडबरी ने कुछ और लाई हूँ, चलो चलो किचन को चलो मैं देती हूँ। आज ट्यूशन में क्या पढ़ाई की है? व्हाट इज योर नेम? मैं कुछ नहीं बोला था। क्यों कुछ नहीं बोले थे? आरफा और मैं, हम लोग दोनों मार्केट आ चुके हैं। हाँ, डायमंड रिंग उठाया उसका। तो अभी आरफा आइसक्रीम खाने के लिए जिद कर रही थी, इसलिए मैं उसको मार्केट लेके आई थी। और आरफा आइसक्रीम खा चुकी है और मैं टिंकी के लिए भी थोड़ा सा आइसक्रीम यहाँ पर ले चुकी हूँ, नहीं तो वरना वो बहुत परेशान करेगी और जिद करके रोने लगेगी। कहाँ जाओगे? बाय। वो क्या क्या चैलेंज करेगी बोले। तो अभी चलिए चलते हैं घर, देखते हैं हमारे मेहमान आए या नहीं। चलिए, तो अभी हम लोग घर पहुँचने ही वाले हैं और आरफा का एक्साइटमेंट देख सकते हैं आप। आरफा कौन आया? चलो देखते हैं कौन आया है। अभी झोगड़ी नानी भी गांव से आ चुकी है। हाँ पर हसी बसी ला दे। चलो उसको पता है, फिर भी सरप्राइज कर ही लो। लेकिन देखी तो नहीं है ना? नहीं, वो तो देखी नहीं है। गिर जाएगी, गिर जाएगी, ध्यान से उसका आंख बंद करके लेके जा रहे हो। कोई निकलना मत। अरे अरे, तो देखते हैं टिंकी क्या सरप्राइज दे रही है आरफा को। पानी की बोके चाहिए डा। तो ये अरे ये कौन आए रे? देखो ये है छोटका और ये है बड़का। नहीं बड़का नहीं, अंशु सलमान का। छोटका आ गया बॉलीवुड, कैसा लगा तेरा घर, नया घर? सावर में नहाया कि नहीं छोटका? वो मैं तो इसको सुबह ही बोल रही थी कि दोनों सावर खोल के जो उत्पाति पड़े रहेंगे सुबह से। नया घर का एक्साइटमेंट हो गए ना जितना से अपना घर है और नहीं क्या। अरे आदू कितना बड़ा हो गया, वही वाला ड्रेस पहनाया ना जो नया वाला लगे। हाँ क्योंकि पतला है ना, मुझे लगा था थोड़ा हो गया, सूख गया बीच में, थोड़ा हेल्थ था गांव जाके के। हाँ ये सर पतला ही है। आरफा है, कौन है? एक इसको देखो सुसारा मारा है। तो फ्रेंड अभी सबका लंच हो चुका है। मैंने कहा था कि हमारे घर में प्यारे मेहमान आ रहे हैं, तो आप देख चुके होंगे ये है मेरे देवरानी के दो बेटे सलमान शाहरुख, और इन लोग को मैं छुटका और प्यार से अद्दू बुलाती हूँ। तो ये दोनों आए हुए हैं और उसकी एक बेटी भी हुई थी, मैंने आपको ब्लॉग में कहा था। आगे वाले बहुत मतलब हो गया शायद 15, उसको अभी 3 महीना हो गया। 3 महीना पहले मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि मेरी देवरानी की एक बेटी हुई है। तो उन लोग आज बिहार से आए हैं उड़ीसा, तो आज मैं उन लोग को खाने का दावत दी हुई थी। तो उसका तबीयत थोड़ा खराब था, ट्रेन में आके थोड़ा बुखार वगैरह हो गया था,
तो इसलिए वो आ नहीं पाई। तो बच्चे लोग यहाँ पर आए हैं और बच्चे लोग अभी खेल रहे हैं, तो उन लोग यहाँ खा चुके हैं और मेरा देवर भी आके खा चुका है और मेरी देवरानी के लिए मैंने खाना भेज दिया है। और ये मैंने तो आपको मिला नहीं पाई, वो छोटी बेबी से मैं मिला नहीं पाई आप लोग को, तो इसीलिए मैं इन लोग को जो छोड़ने के लिए जाऊँगी 4 बजे, तो वहाँ पर जाके उससे मुलाकात करके आएंगे, तो वहीं पर मैं आपको दिखाऊंगी उसकी छोटी बेटी को क्यूट सी। तो बने रहिए ब्लॉग में, मैं काम खत्म कर लेती हूँ, यहाँ मेरे बर्तन से पड़ा हुआ है, बर्तन वर्तन धो लूंगी, सारा काम खत्म कर लूंगी, फिर 4 बजे बच्चे लोग को लेके मैं जाऊंगी देवरानी के घर और मिलाती हूँ मैं मेरी देवरानी से जो बिहार से आई हुई है। तो बने रहिए ब्लॉग में फ्रेंड्स। तो मेरी देवरानी तो आई नहीं है और बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि कौन छोटका बड़के से, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करा चुकी थी, तभी देखते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं। हगीस के बिल्ली छोटका का पैसा का सारा हगीस हो गया उसकी बहन के लिए, और राधू का पैसा का मम्मी देखने मुझे खाना 200 का नोट क्या देखना हो। ओहो योगा दिखा रहे हो, अभी खाए हो, योगा मत दिखाओ, आ जाओ आ जाओ मम्मी वीडियो बनाना। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बोलो। 200 रुपया मुझे खाना मम्मी दी थी और छोटका को 100 हगीस खरीदा है। हाँ और उसके बाद में 100 रुपया मिला, छटका को 50 है, उसको मम्मी ले ली। मम्मी ले ली नहीं, बोलना कि दो हमारा पैसा हमारा नानी दी है। तुम्हारे नानी घर में ब्लॉग देखते हैं कि नहीं? देखते हैं ना, तो अभी तुम्हारे नानी देखेंगे तुम लोग को कि इन लोग ओडिशा में आके क्या क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स तो अभी हम लोग जाएंगे हसीबा के घर, मेरी देवरानी के घर, तो अभी मैं ऑटो बुलाई हूँ, तो ऑटो आएगा तो हम लोग सब मिलके इकट्ठे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे देवरानी के घर, अभी ऑटो आ गया, चलो 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 बच्चे, चलो बच्चो एंट्री करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। समरीन ये किसका जैसा दिख रही है? अरे ये तो आदू की तरह दिख रही है, कैसा देख रही है, देखो मोबाइल का कैमरा को बढ़िया सा देख रही है। हाय बहुत ज्यादा देखती है मोबाइल। ओ ये तो इसको देखिए ये बंदरों के कूद रहा है, ये खोआ चट कर रहा है, खाना है क्या? तो भोपा भोप खाए जा रहा है। तो पाठकोंडा शाही से बहुत दूर है, पाठकोंडा शाही है ना, वो जो दही बड़ा बेचता है ना उसी का घर है। कौन सा, ये कुटिया? हाँ। तो यहाँ से बड़ा वाला घर जो है, रुक जा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं होम टूर। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा होम टूर। तो ये सबसे पहले यहाँ पे है जो हमेशा होता ही है, गेट और खिड़की, और यहाँ पे बैठने के लिए एक मस्त सी जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हो। मैं कूद के दिखाऊंगा, कूदो। और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कुआं है, कुएं में पानी है, और यहाँ पे है बेड, यहाँ पे छोटा मोटा बेड है, और यहाँ कपड़े का गोदाम है, और यहाँ इन्वर्टर है। चलो चलो, ये है बेडरूम, यहाँ पे अलमारी है, टीवी है, कूलर है, बेड है और पंखा भी है। ये है किचन, ये फ्रिज है, और ये ताजमहल है, और ये वो सब कटलरीज रखने का जगह है, ये स्टोव है, और ये सिंक है, और ये है बाथरूम जहाँ पे, और यहाँ पे है सावर, काला काला पावर। मम्मी खत्म हो गया, होम टूर खत्म हो गया, लो पकड़ो। आप ही बुला रही है, आरफा आप ही बोल रही है, आरफा आप ही पा कर दो, पा कर दो, पा कर दो बेबी को, किची कर दो। हाँ खुश, हाँ मेरी इनका है।
आरफा के गोदी में है समरीन, आरफा के गोदी में, आरफा का गोदी में है। क्या खा रहे हो? खुआ, ये चाची लेके आई है खुआ। तुझ संग प्री हमने लगाई है। अरे अरे आरफा गिल्लू कर रही है आरफा, तो उसको क्या कर रहे हो? परेशान करोगे तो चाची मारेगी। हाँ बच्चे, चाय बिस्किट। बेबी क्या खा रहे हो? ये तो टिंकी का फेवरेट है ना, उसका दादा दादी रहने गड़ी है जो खाने गड़ी इन लोग को बिठा के खिलाते थे ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। हो गया इन लोग का खेलना, हो गया। आरफा तो थक चुकी है, सोने वाली है, देख सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे घर। अभी हम घर में आने के बाद थोड़ा पार्लर में भीड़ भाड़ था, तो इसलिए मैं पार्लर में ही बिजी हो गई। इससे हमारा हेयर ट्रीटमेंट होता है, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट किया जा रहा है इनका, और हेयर फॉल के लिए भी होता है। तो जिसको भी करना है पार्लर हमारा विजिट कर सकते हैं। You're so beautiful.